तो ये जो है यहाँ पर अभी जीरा भुना जा रहा है। ये यहाँ पर ककड़ी के ऊपर कोथमीर काट के डाली जा रही है। ये क्या, इसके अंदर कोथमीर, मिर्ची और धने, जीरा है गाई, जीरा जीरा। ये यहाँ पर मिक्सर चल रहा है, आपको बहुत तेज आवाज आ रही होगी। और ये यहाँ पर बन रही है हमारी उपास वाली आलू की सब्जी, जो स्पेशल उपास में बनती है वो आलू। और यहाँ पर डाला जा रहा है लाल मिर्च पाउडर, और अब हमारा भिगोए डाला जा रहा है इसके अंदर साबूदाना। मैं बनाऊं क्या यार, साबूदाने बड़े जिसमें मैंने बनाए हैं, पर आज उपास का है इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। पत्ता गोभी में पत्ता गोभी नहीं रही, सब नकली आने लग गया। आपको पत्ता गोभी कच्ची खाने में इतनी बढ़िया लगती थी, सब बेकार आने लग गया। अब तो पका के भी नहीं खा सकते, आई बड़ा कर तो भी छाछ देख के मुँह में पानी आ रहा है मेरे को तो। रतालू का क्या करेंगे, हलवा बनाएंगे और क्या करेंगे, हलवा थोड़ी बनाएंगे, क्या बनाना है? रतालू का हलवा बनाओ यार, बहुत मस्त लगता है। कासर कासर या कासर, वो तेरी माँ क्या करेगी? शाम को तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनने वाली है। केला, संतरा, चीकू, सेव फल, पपीता, छाछ, ये क्या है, कोशिंबीर, दही, चटनी, हरी चटनी, चिप्स, चिप्स ये घर पे बनाए हमने। ये हमारा साबूदाना डल चुका है, अब थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। मैं बनाऊं क्या यार, साबूदाने बड़े जिसमें मैंने बनाए हैं, पर आज उपास का है इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। हमारी साबूदाने की खिचड़ी बन के रेडी हो गई है, और बस अब हमको इसे खाना है। इसको पानी में निकालो।
इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलते मराठी में, हिंदी में हिंदी लोग कम बनाते। ककड़ी का बूरा, कटी हुई ककड़ी, दही मिक्स, रायता ककड़ी का। हाँ, तो कोशिश भी बोलते रायते में, तो वो सिर्फ दही डालते थे, पर इसमें सब डालते थे, दाने का कूट, धनिया, हरी मिर्च सब डाला तुमने इसमें, नमक, शक्कर। छाछ, इसमें वो नुक्ती नहीं डाली पास है? अरे हाँ। कोथमीर वो डालो, कोथमीर को बस। कुछ बचा है क्या? और चम्मच, चम्मच तो रखो। गाइज ये जो है यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो लाल कलर का बटन है उसे दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दिखाओ नैवेद्य। ये देखिए गाइज हमारी साबूदाने की खिचड़ी कितनी बढ़िया लग रही है, और साथ में है यहाँ पर छाछ, चिप्स, हरी चटनी जो कि हरी मिर्ची और धनिया से बनी है, नींबू का अचार, फरियाली मिक्सचर और एक वो हाँ रायता है, वो कोशिंबीर जिसको जो हमारे इसमें बनती है कोशिंबीर वो है। तो गाइज मुझे आपसे एक बात करनी थी। आज का ये जो व्लॉग आपने देखा इसमें आपको बहुत सारी जगह ऐसा लगा होगा कि कोई वीडियो पहले आ रहा है, कोई वीडियो बाद में आ रहा है। ऐसे एक दो वीडियो में हुआ है कि जिसे पहले आना चाहिए था वो बाद में आया है, और जिसे बाद में आना चाहिए था वो पहले आ गया है। गलती से हुआ है, एडिटिंग मिस्टेक है ये। क्योंकि क्या हुआ था कि मेरे हाथ से गलती से सारे वीडियोज़ जो इस व्लॉग में एक के बाद एक मैंने वीडियो लगाए हैं, एडिटिंग की है, तो वीडियोज़ जो है वो गलती से डिलीट हो गए थे, और फिर मैंने उसको री स्टोर किया था। तो जो है एक के बाद एक वीडियो जो आने चाहिए थे, लाइन से जो आने चाहिए थे वीडियोज़, वो थोड़े से मतलब गड़बड़ तरीके से आए हैं, एक दो वीडियो आगे पीछे हो गए हैं। तो आपने महसूस किया होगा, ये आपने महसूस किया होगा कि नहीं किया होगा, आपको पता चला होगा कि नहीं चला होगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद होकर आपको बता रहा हूँ कि ये जो है मेरे से गलती हुई है, और आगे से गलती ना हो इस बात का मैं ध्यान रखूँगा। तो क्या है कि स्टोरेज फुल हो गई थी तो मैंने डिलीट कर दिए, और वो डिलीट जो किए मैंने वो मेरे को पता नहीं चला कि गलती से वही सारे वीडियो मैंने डिलीट कर दिए जो व्लॉग के थे। तो उसको फिर मैंने रिस्टोर करके वापस व्लॉग में डाले, लेकिन वो इतने अच्छे से एडिटिंग नहीं हो पाई है। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से हम अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। इस व्लॉग में थोड़ी सी गलती हो गई है, पर अगली बार से हम अच्छा व्लॉग बनाएंगे।
इसका पार्ट टू भी आएगा लेकिन वो भी डिलीट हो गया था, तो उसमें लेकिन हाँ उसमें मैंने कर लिया है, उसमें लाइन वाइज लाइन से मैंने उसको कर लिया है, तो वो तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन इस व्लॉग में जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए।